हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन टेस्ट। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार पालक पनीर की रेसिपी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। 300 ग्राम मैंने यहाँ पर पनीर ली है, इस तरीके से इसके पीसेस मैंने कर लिए हैं। एक गड्डी मैंने यहाँ पर पालक ली है, इसे मैंने वॉश कर लिया है। दो मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है, इसे पीस लिया है बारीक। एक टमाटर लिया है मैंने बड़े साइज़ का। लहसुन, मिर्ची, अदरक का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून। मसालों में मैंने लिया है हल्दी, धनिया पाउडर, नमक 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। बघार के लिए मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा और दालचीनी का टुकड़ा। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे अमूल बटर लिया है। अब हम सबसे पहले पालक को बॉईल कर लेते हैं। बॉइलिंग के लिए मैंने पानी रख दिया है। अब हमें इसमें डाल देना है। पालक को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, इसके सारे मिट्टी मैंने निकाल ली है। इसे वॉश करने के बाद ही हमें इसे बॉईल करना है। 2 से 3 मिनट हमें इसे बॉईल करना है। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। इसे गर्म पानी में हमें 2 से 3 मिनट रखना है। आप इसे गर्म पानी में रख के छोड़िएगा बिल्कुल नहीं तो पालक का कलर चेंज हो जाएगा। 2 मिनट इसे हम रखेंगे गर्म पानी में, फिर हमें इसे निकाल के ठंडे पानी में रख लेना है ताकि पालक कलर चेंज ना हो। देखिए, इस तरीके से हमें घुमाते हुए हर तरफ से इसे गर्म पानी में डिप कर लेना है। 2 मिनट हमें इसे इसी पानी में छोड़ देना है। देखिए, 2 मिनट हो चुका है, अब हमें इसे निकाल लेना है। गर्म पानी से निकाल के हम ठंडे पानी में इसे डाल देंगे ताकि पालक का कलर चेंज ना हो। देखिए इस तरीके से, अब हम इसमें से भी इसे निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे पालक की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखी है। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे पालक थोड़ा कम कर दें। मैंने यहाँ पे एक गड्डी पालक ली है। अगर आपको कम ग्रेवी चाहिए तो आप आधी गड्डी का यूज़ करें। देखिए इसी तरीके सारी पालक को हम ठंडे पानी में डाल देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। देखिए पालक ठंडी हो चुकी है, अब हमें इसे पीस लेना है। देखिए मैंने बिल्कुल बारीक इसे इस तरीके से पीस लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे पकाना। एक कटोरी मैंने ऑयल लिया है। यहाँ पे मैंने जिस ऑयल से मैंने चिकन फ्राई किया था उसी ऑयल का यूज़ कर रही हूँ मैं। 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा और एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है। 1 मिनट इसे भून लेना है ताकि मसालों में अच्छी तरीके से खुशबू आ जाए। देखिए 1 मिनट हो चुका है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है मैंने, इसे हम लो फ्लेम पर भून लेंगे। इसे लगातार चलाते हुए भूनते रहना है लो फ्लेम पे। 2 से 3 मिनट हमें इसे भून लेना है। देखिए 2 से 3 मिनट हो चुका है, प्याज का सारा कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, मिर्ची और अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसे भी 2 मिनट भून लेंगे। देखिए 2 मिनट हो चुका है, अब हमें यहाँ पर डालना है टमाटर। एक टमाटर मैंने लिया है, इसे पीस लिया है मैंने। सेम प्रोसेस करना है हमें, 2 से 3 मिनट इसे भी सारे मसालों के साथ भून लेना है। देखिए 2 मिनट हो चुका है भूनते हुए,
अब हमें इसमें सारे मसाले डाल देना है, लहसुन, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर और नमक 1-1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया है। लो फ्लेम पे हमें इसे भून लेना है 2 मिनट। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे भुना हुआ चना लिया था, उसे मैंने बारीक पीस लिया है। देखिए इस तरीके से हमें इसे चलाते रहना है लो फ्लेम पे। 2 से 3 मिनट हो चुका है, सारे मसाले अच्छे तरीके से भून चुके हैं। अब हमें यहाँ पर डालना है पालक। देखिए पालक का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, इसी तरीके से आप भी पालक पनीर बनाइए। पहले इसे गर्म पानी में 2 मिनट के लिए डिप करिए, फिर आप इसे तुरंत निकाल के 2 मिनट बाद ठंडे पानी में डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका पालक का कलर बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। देखिए इस तरीके से हमें 2 से 3 मिनट इसे चलाते रहना है ताकि सारे मसाले पालक में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। दो मिनट हम इसे ढक के पका लेते हैं लो फ्लेम पे। देखिए 2 मिनट हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे डालना है पनीर। 300 ग्राम मैंने पनीर ली है। इसे मिक्स कर लेना है लगातार चलाते हुए। अब हमें इसमें डालना है 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। वन टेबल स्पून भर के मैं यहाँ पे अमूल बटर डाल रही हूँ। इसे मिक्स कर लेना है। देखिए 2 मिनट तक का मैंने इसे लगातार चलाते हुए पका लिया है इस तरीके से। अब हम इसे ढक के पका लेते हैं 2 मिनट ताकि पनीर अच्छे तरीके से कुक हो जाए। 2 मिनट हो चुका है, पनीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा रखी है, अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए तो आप पालक थोड़ा कम डालिए इसमें। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे देसी घी ली है, इसे डाल दिया। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप यहाँ पे अमूल बटर डाल दीजिए। देखिए पालक पनीर रेडी हो चुकी है, इसे हम सर्व कर लेते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। अमूल बटर मैंने यहाँ पर डाल दिया है। देखिए 10 मिनट में मैंने बहुत ही मज़ेदार
पालक पनीर की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। इसी तरीके से आप भी बहुत ही इजी ट्रिक से मैंने पालक पनीर बनाया है, आप भी इसी तरीके से बनाइए बहुत ही मज़ेदार पालक पनीर की रेसिपी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। देखिए पनीर रेडी हो चुकी है, आप इसे पराठा या पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार पालक पनीर रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।